मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास टू सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में आज हम सीखेंगे स्वाद टेस्ट। कितने तरह के टेस्ट होते हैं? पांच तरह के टेस्ट होते हैं, फाइव टाइप्स ऑफ टेस्ट। कौन कौन से? मीठा, मीठा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट। तीखा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइसी। कड़वा, खट्टा, नमकीन, सोल्टी। पांच तरह के स्वाद है, कौन कौन से? मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा और नमकीन, ये सभी टेस्ट है। जैसे कि आप टमाटर खा रहे हैं तो टमाटर आपको कैसा लगता है? वो खट्टा लगता है। पर आप अगर गाजर का हलवा खाए तो गाजर का हलवा कैसा है? गाजर का हलवा मीठा है। वही पर कच्चा आम खाएंगे तो वो क्या है? खट्टा। और भी पक्का आम खाएंगे और आम का रस खाएंगे तो वो है मीठा। अगर आप करेले की सब्जी खाएंगे तो करेला कैसा होता है? करेला कड़वा होता है। फिर आप अगर इमली इमली खाएंगे तो इमली का टेस्ट भी खट्टा होता है। तो स्वाद पांच टाइप के हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है तो मीठा, मीठे स्वाद में कौन कौन सी चीजें हैं? बर्फी, बर्फी मीठी होती है। जलेबी, जलेबी भी मीठी होती है। लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, बूंदी के लड्डू कैसे होते हैं? मीठे। पसंद है ना लड्डू खाना? यस, मीठी चीजें, स्वीट चीजें खाना बच्चों को अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर तीखा, स्पाइसी, मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च, ये दोनों मिर्चें तीखी होती है। फिर प्याज, प्याज का स्वाद है वो भी तीखा है। अदरक जिसको हम गुजराती में आलू बोलते हैं, इंग्लिश में जिंजर बोलते हैं, जिंजर का टेस्ट है वो भी तीखा है। फिर यहाँ पर बीटर, कड़वा, कड़वा स्वाद किसी को अच्छा नहीं लगता। कड़वा क्या है? करेला, करेले का स्वाद है वो कड़वा है। फिर नीम, नीम के पत्तों का रस अगर हम पिए तो हम कम बीमार पड़ेंगे, तो एक औषधि में नीम यूज हो सकता है। तो नीम का स्वाद कैसा है? वो है कड़वा। फिर यहाँ खट्टा, सो खट्टी चीजें कौन कौन सी है? तो है इमली। फिर नींबू, नींबू का स्वाद कैसा है? खट्टा। नींबू पानी हम पीते हैं तो वो खट्टा मीठा, उसमें अगर शुगर ना डाले तो वो बहुत ही खट्टा लगता है। कच्चा आम, ग्रीन कलर का कच्चा आम है वो, उसका स्वाद है खट्टा। फिर पांचवा नंबर पर नमकीन, सोल्टी, क्योंकि नमकीन है, मीठी चीजें नमकीन चीजें। ये नमकीन चीजों में कौन कौन सी आइटम है? तो वो है पापड़। घर के पापड़ बने हो या बाहर से मकई के पापड़, उड़द के पापड़, मूंग के पापड़, सभी वैरायटी ऑफ पापड़ मार्केट में अवेलेबल है, तो वो चीजें नमकीन है, स्वाद उसका सॉल्टी है। चिवड़ा, फिर मुरमुरे का चिवड़ा खाते हैं आप, पोहे का चिवड़ा खाते हैं, तो ये सभी चीजें हैं नमकीन। समोसा, समोसा में गांठिया बनाते हैं हम, फिर क्या बनाते हैं? कचौड़ियां खाते हैं, पूरी खाते हैं, तो ये सभी नमकीन चीजें हैं, का स्वाद है नमकीन। तो ये सभी ड्रो करके आप अपने नोटबुक में लिखिए। आगे में कौन कौन से स्वाद कैसे चीजें के नाम आगे लिखते हैं, पहले ये आप अपनी नोटबुक, हिंदी की जो नोटबुक है उसमें ड्रो कर लीजिए।
था। फिर है खट्टी चीजें। खट्टी कच्चा मूसली के अलावा कौन सी चीजें हैं जो कि खट्टी है? तो वो है नारंगी, संतरा। जोड़ियां निकालिए। अ ब, अब एक स्वाद दिया गया है, ब में वो चीजें दी हुई है, तीखी मिर्ची तो एक के सामने लिखिए सी, खट्टा नींबू ई, मीठी मिर्ची पापड़ बर्फी, मीठी बर्फी कड़वा करेला, नमकीन पापड़। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और तीखी मिर्ची, खट्टा नींबू, मीठी बर्फी, कड़वा करेला, नमकीन पापड़, ऐसे भी कर सकते हैं। लिख लीजिए।
25 बार उचित रंग भरो। यहाँ पर आपको चित्र दिए गए हैं, मिर्च का चित्र है, आम का चित्र है, करेले का चित्र है, फिर है पूरी और पापड़, दोनों के जलेबी और पापड़। तो आपको उसमें रंग भरना है। आप आम में कौन सा कलर करेंगे? अगर आपको कच्चा आम रखना है तो आप इसमें हरा रंग करेंगे, नहीं पक्का आम करना है तो आप इसमें पीला रंग करेंगे। करेला, करेला हरे रंग का होता है। मिर्च आप लाल मिर्च भी कर सकते हैं और हरी मिर्च भी कर सकते हैं। जलेबी येलो कलर, पीला, और पापड़ ब्राउन कलर जैसा पापड़ होता है। और ब्राउन कलर इसमें कीजिए, ब्राउन मतलब बादामी नहीं, ऐसे ही वो क्रीम कलर जैसा, व्हाइट जैसा दिखता है वो कलर। तो आप इसमें हरा करेंगे, इसमें पीला, इसमें लाल, इसमें भी पीला, और इसमें व्हाइट कलर जैसा कलर करेंगे। ये है आपका होमवर्क, कलर कीजिएगा। और स्वाद याद रखिएगा, स्वाद कितने तरह के स्वाद है? 5 प्रकार के। कौन कौन से? मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा और नमकीन। नमकीन 5 तरह के स्वाद है, जिस अलग अलग चीजों के स्वाद भी अलग अलग होते हैं, हमने वो देखा। आज ये